नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका माय हेल्थ इंडिया चैनल में। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा इस विगोरा फोर्स के 5 साइड इफेक्ट्स के बारे में। यहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो जो 5 साइड इफेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, चौथा जो साइड इफेक्ट्स है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा वो 5 साइड इफेक्ट्स कौन से हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो विगोरा फोर्स टैबलेट है उसको लेने का सही तरीका कौन सा होता है। अगर आप उस सही तरीके से लेते हैं तो इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस विगोरा फोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। यार, आप वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं, चैनल पर लाइक का रेशियो बहुत ही कम आ रहा है, तो इस वीडियो पे एक बड़ा सा लाइक तो बनता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल का आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो उन लोगों से यहां पर रिक्वेस्ट है कि बेल वाला जो आइकॉन है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी टैबलेट अगर वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है या फिर एलोपैथिक टैबलेट है, अगर उसका इफेक्ट है तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूं इसकी सिंपल सी इंफॉर्मेशन, वो आप पे डिपेंड है कि ये गोली आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इस विगोरा फोर्स टैबलेट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं तो इसमें जो कंटेंट होती है वो है डेपोक्सेटिन और सिल्डेनाफिल। पिछले बार मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो विगोरा टैबलेट है वो किस लिए होती है, विगोरा फोर्स जो टैबलेट है वो किस लिए होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर मैंने डिटेल्स में बताया है कि ये जो विगोरा फोर्स टैबलेट होती है वो किस लिए होती है और उसका सेवन आपको किस तरीके से करना है। लेकिन मुझे यहां पर बहुत सारी कमेंट्स मिल रही थी कि सर, ये जो विगोरा फोर्स टैबलेट है उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, या फिर इसका सेवन का सही तरीका कौन सा होता है जिससे हमको साइड इफेक्ट्स ना हो। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो पहला जो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है इस विगोरा फोर्स का वो है सिर दर्द। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर, जब भी हम विगोरा फोर्स टैबलेट लेते हैं या फिर विगोरा टैबलेट लेते हैं तो उसके कुछ घंटे के बाद हमको भारी सिर दर्द होता है। तो ये सबसे इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है इस विगोरा फोर्स टैबलेट का। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें दूसरे साइड इफेक्ट्स के बारे में तो दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है चक्कर आना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी मुझे कि सर, विगोरा फोर्स लेने के बाद दूसरा जो दिन होता है तो मॉर्निंग में हम चक्कर जैसा फीलिंग करते हैं या फिर हमको वीकनेस लगती है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कि हमने टैबलेट लेने में कोई गलती की है या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो देखिए, वे विगोरा का साइड इफेक्ट होता है, इससे चक्कर आपको आते हैं, आप वीकनेस भी महसूस करते हैं। लेकिन ये वीडियो देखते रहिए, एंड में आपको बताऊंगा कि सही तरीका कौन सा होता है इसे लेने का, ताकि आपको वो जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं या फिर चक्कर आना या फिर थकान जैसी महसूस होती है वो आपको ना हो। इसके अलावा इसका जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो है जी मिचलाना या फिर एसिडिटी होना। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर, विगोरा फोर्स लेने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद हमारा जो जी है वो मिचलने लगता है या फिर हमको ऐसा लगता है चेस्ट में बर्न होता है, एसिडिटी जैसा महसूस होता है। तो आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है, क्या हम लेने में गलती करते हैं, किस तरीके से हमको लेना चाहिए। तो देखिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जी मिचलाना एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आपको एसिडिटी भी हो सकती है। आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको क्योर करना है। यहां पर बात करते हैं चौथे साइड इफेक्ट्स के बारे में जो सबसे खतरनाक है। तो चौथा जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि अचानक से आपको दृष्टि हानि हो जाती है, यानी कि आपको दिखाई देना ही बंद हो जाता है या फिर आंखों में ब्लरी विजन हो जाता है, ब्लू ब्लू आपको दिखाई देने लगता है। तो ये सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। अगर आपको इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तब आपको सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पांचवा साइड इफेक्ट है वो है फ्लसिंग होना, यानी कि गर्मी होना। आपको कान के आसपास या फिर गर्दन के आसपास फ्लसिंग होने लगती है, ज़्यादा पसीना आता है, तो ये भी कॉमन साइड इफेक्ट होता है इस तरह की ये जो विगोरा फोर्स टैबलेट है उसके। तो अब बात करते हैं कि ये जो विगोरा फोर्स टैबलेट है उसको लेने का सही तरीका कौन सा होता है, किस तरीके से लेना चाहिए ताकि आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना।
अब यहाँ पर फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये विगोरा फोर्स को किस तरीके से लेना चाहिए ताकि आपको सिर दर्द ना हो, चक्कर ना आए, एसिडिटी गैस ना हो या फिर दृष्टि हानि ना हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम हो जाए या फिर फ्लसिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो देखिए आपको करना क्या है कि आपका जब प्रोग्राम होता है तब उसे 30 से 60 मिनट पहले लेना है, यानी कि आधे से एक घंटे पहले लेना है। आपको भारी पेट नहीं लेना है, पूरा भरपेट खाना खाने के बाद इसको नहीं लेना है। कई बार ऐसा भी होता है अगर आप भरपेट खाना खाने के बाद लेते हैं तो ये जो विगोरा फोर्स टैबलेट होती है या फिर विगोरा टैबलेट होती है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाती है। तो आपको हल्का खाना खाना है, खाना खाने के बाद अगर आप दूध प्रेफर करते हैं तो आधा ग्लास दूध ले लीजिए और उसके साथ ये गोली लीजिए। अगर आप इस तरीके से इसका सेवन करते हैं तो ये जो गोली है वो 110% काम करती है और इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं।